अमीर खान फ्रॉम भोपाल, भोपाल रिस्टोरेशन, और एक नायाब नगीना आपकी नजरों के सामने ये, और दूसरा वो ऊपर है। ये दो गाड़ियां हमारे पास पहुंची हैं, एक ज्वाला शंकर जी हैं चित्रपुर से हैं ये, और दूसरे ये जो वेस्ट बंगाल से हैं हमारे संजय रॉय जी। दोनों की बाइकें पहुंच चुकी हैं, तो वेस्ट बंगाल वाली गाड़ी नीचे उतर चुकी है और दूसरी गाड़ी आपकी नज़रों के सामने जस्ट उतार रहा हूं। बने रहना, वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। यामाहा RX 100 जेन्युइन कैसी होती है और गाड़ियों के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट नंबर होता है, वो सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। कंटिन्यू आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। दोनों ही ज़बरदस्त बाइक है, यामाहा RX 100, और ये तो कुछ ज़्यादा ही जेन्युइन बाइक निकली है। तो इसका भी वीडियो आ रहा है, इसका भी वीडियो आ रहा है। दोनों सामने पहुँच चुकी है। वाराणसी की जो गाड़ी है ये आपके सामने उतर रही है और वेस्ट बंगाल की नीचे खड़ी हुई है। वाराणसी से जो गाड़ी है ये हमारे जो हैं ज्वाला शंकर जी हैं और ये संजय रॉय जी हैं जो हमारे वेस्ट बंगाल से हैं। दोनों गाड़ियों को मैं शॉप के अंदर ले रहा हूँ और आपकी नज़रों के सामने जस्ट अभी ओपन करूँगा। बने रहिए मेरे साथ में। और अभी से ही हमने बुकिंग चालू करी है, अभी करीब करीब 5 महीने से हम गाड़ियाँ ले नहीं रहे थे, तो ये एक गाड़ी आ चुकी है और ये बड़ी ही रोती हुई हालत में नज़र आ रही है। आंसू बहते हुए आपको दिख रहे होंगे शाकपों के बीच में से। अब मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, आप बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वाराणसी की बाइक को ओपन करने जा रहा हूँ। तो आने से पहले ही गाड़ी का ग्रिप सेट बाहर आ चुका है, उसके बाद ये देखो यहाँ से माउंटेन भी बाहर आ चुका है और अभी अपन ओपन करने जा रहे हैं, आप बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यामा के बारे में प्रॉपर जानकारी अगर आपको चाहिए तो भोपाल रिस्टोरेशन को आप कंटिन्यू फॉलो करते हुए चले। मैं आपको इस गाड़ी के अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो गाड़ी के साथ आया भी है और नहीं भी आया है, और जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें लोगों ने लगाई हैं, किस लेवल तक हद से ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है या फिर बेतुका सामान लगा के गाड़ियों को ख़राब कर दिया जाता है। बने रही। तो काफ़ी नासाज हालत में, सुपर एक्सेल की तो हेडलाइट लगी हुई है भाई की गाड़ी के अंदर, और साथ में ही गाड़ी के शॉकअपों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और उसके अलावा मीटर असेंबली आप देख सकते हैं गाड़ी में, स्कॉट लिमिटेड की डली हुई है, मतलब ओरिजिनली है ये मीटर। और बाकी पूरी ओपन होने दीजिए। ये वाराणसी की गाड़ी है और ये आपकी वेस्ट बंगाल की है, बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है ये बनने के बाद तो धूम मचाने वाली है। और ये वाली गाड़ी की कंडीशन ज़्यादा हल्की दिख रही है, फिर भी एक चीज़ इसमें बहुत ख़ास है जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो गाड़ी में हैंडल जो है जेन्युइन डला हुआ है, माउंटेन जेन्युइन डला हुआ है गाड़ी में, मीटर ओरिजिनल डला हुआ है। तो इसका मतलब बाकी का सामान जो निकलेगा ना, मेन यामा इंजन से होती है, साइलेंसर होता है उसका जेन्युइन पार्ट से होता है, बाकी तो सब नया डालना ही है, मैटर नहीं करता है। ये नायाब नगीने के बिल्कुल लिबास उतरते हुए ज़बरदस्त से बेहतरीन और बबल्स रैप के अंदर अच्छे से सेफ्टी के साथ भेजा है, बट गाड़ी की नंबर प्लेट तो टेढ़ी हो गई, लेकिन भाई नंबर तो ज़बरदस्त है यार गाड़ी का, दिल गार्डन गार्डन हो गया। 9988UP65G। उसके बाद गाड़ी के अंदर ये सीट का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल दिख रहा है, और रही बात टंकी पैनल की, पूरे रीपेंट हैं, फेट हो चुके हैं। उसके बाद चेन कवर भी ओरिजिनल हैं बट बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं चेन कवर के। सुजुकी मैक्स 100 का सस्पेंशन लगा है, आफ्टर मार्केट साइड ग्लास ये आपका फुटरेस लगे हुए हैं, उसके बाद ये भी ओरिजिनल था लेकिन ये आने में बैंड हो गया है, पिछले मरघाट ख़त्म है गाड़ी के। और उसके अलावा बैटरी भी कह रही है अब जाऊँगे तब जाऊँ, और उसके अलावा यहाँ के स्क्रू बोल्ट वगैरह सब गायब है। भाई ये क्या हाल कर रखा है आपने गाड़ी के साथ। और उसके अलावा बाकी इस तरफ अपन आगे की तरफ आते हैं, देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नज़र आए जो मैं आपको दिखा के बोल सकूं कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। और उसके अलावा यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है गाड़ी का, कार्बोरेटर भी इंडियन लगा हुआ है, जेन्युइन नहीं है, सिलेंडर किट G2 का लगा हुआ है और ये नंबर लिखे हुए उससे लग रहा है ओरिजिनल निकलेगा, खोलने के बाद ही पता चलेगा, बट ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं गाड़ी में, मतलब सारी चीज़ें गाड़ी की गायब हो चुकी है, ओरिजिनल के नाम पर कुछ बचा नहीं है, टोटल भंगार हो चुकी है ये, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, साइड स्टैंड गायब है, मेन स्टैंड ओरिजिनल डला हुआ है, लीवर कटे हुए हैं, मतलब जर्नल ही बनाना है, कुछ भी बचा नहीं है जो अपन दोबारा इसके अंदर यूज़ करें। तो फाइनली ये गाड़ी तो आपके सामने ओपन कर दी है हमने, अब मैं ले रहा हूँ दूसरी गाड़ी को लाइन पर, बने रहना साथ में। तो वाराणसी की गाड़ी तो अब हो रही है बाहर और अब अपन अंदर ले रहे हैं
दूसरी गाड़ी जो काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार है, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरी खूबसूरत बाइक है ये, तो इसको ले रहे हैं अपन अंदर। बहुत ही जेन्युइन बाइक है और ये वेस्ट बंगाल से आई है हमारे पास रिस्टोरेशन के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ में। अब इस बाइक को ओपन लेके अपन देखते हैं कि इसमें क्या ख़जाना छुपा हुआ है, बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम गाड़ी के हैंडल और मास्क से खोलने के लिए, और पहले इसको ओपन करते हैं फिर देखते हैं आगे। जैसी गाड़ी है भाई की उसी तरह की ज़बरदस्ती बिल्कुल पैकिंग करी है गाड़ी की, अच्छी अच्छी पैकिंग करी है, मतलब इस तरह से गाड़ियाँ थोड़ी सेफ तो पहुँच ही जाती है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि आने में हेडलाइट टूट गई है ना? हेडलाइट है, हेलमेट है, तो हेलमेट भेज दिया भाई ने गिफ्ट में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास हेलमेट भी नहीं था, आपने मुझे हेलमेट दे दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी ये हेलमेट लाइट को नहीं बचा पाया आपके, तो मुझे क्या सेव करेगा। बट डोंट वरी, इसको अपन आपकी गाड़ी के जैसा बिल्कुल रेडी करके, बिल्कुल कस्टम करके इसी गाड़ी के साथ वापस भेजेंगे आपके भाई की तरफ से, समझ लेना गिफ्ट आपके लिए, बहुत प्यारा सा बना के दूंगा मैं आपको, ठीक है। और हेडलाइट जो है गाड़ी की देख सकते हैं आप, नीचे गिर चुकी है। बाकी इंडिकेटर ओरिजिनल लगे हैं गाड़ी में, फुल अनब्रेकेबल है, जेन्युइन नहीं है, और मतलब नए डले हैं ये, वैसे वाले जेन्युइन नहीं है। ये देखिए स्पॉट ओरिजिनल लगा हुआ है इसके अंदर, यहाँ भी ये 90 के टाइम की गाड़ियों का है जो मीटर लगा है इसमें, 88, 89, 90। और उसके अलावा अगला मरघाट जो है गाड़ी में 100% ओरिजिनल है, गाड़ी के साथ का है, कभी चेंज नहीं हुआ है ये। सस्पेंशन गाड़ी का बिल्कुल ओरिजिनल है, आगे के टायर और रिम इन्होंने चेंज करवाए हैं गाड़ी के, और गाड़ी रीपेंट हुई है, दोबारा बनी है ये, और लेग गार्ड आफ्टर मार्केट है गाड़ी का। और उसके अलावा ये एक बार बन चुकी है गाड़ी, बट इसमें सामान जेन्युइन डला हुआ है, गाड़ी में हैंडल भी कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, और 12 बोल्ट का गाड़ी के अंदर ये अपर डिपर यूज़ हुआ है, जबकि इसमें 6 बोल्ट आता है, 5 स्पीड वाला या YVX वाला बोलते हैं इसको अपन। और उसके अलावा गाड़ी में अपन आते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो यह साइड में आपको नज़र आ रहा होगा साड़ी गार्ड जो आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल नहीं है गाड़ी के साथ का, इसमें जो आया था मोटे पाइप वाला आता था, ये वाला कभी नहीं आया है। और इंडिकेटर पहले ही ज़मीन दोज हो चुके हैं शहीद होते हुए, इंडिकेटरों के अंदर LED बल्ब लगे हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप फियाम की ब्रेक लाइट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। बाकी गाड़ी में ये टूल बॉक्स हीरो होंडा SS में आया था, तब के ज़माने का है, 6 होल ओरिजिनल जेन्युइन साइलेंसर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कड़क, मज़ा आ जाएगा गाड़ी जब ये बनेगी पूरी। और उसके अलावा टैंक पैनल जो है गाड़ी के टोटल रीपेंट है, मोनोग्राम्स ओरिजिनल कंपनी के ही लगे हुए हैं। और उसके अलावा गाड़ी में G1 का ब्लॉक है, और ओरिजिनली निकलेगा, 100% कंडीशन बता रही है। बाकी कार्बोरेटर लोकल डला हुआ है गाड़ी में, और गाड़ी के अंदर ये जो देख सकते हैं आप पेट्रोल का फिल्टर है, ओरिजिनल है। बाकी पूरी रिस्टोर बाइक है ये, मड फ्लेप ओरिजिनल है, अगले पिछले मरघाट ओरिजिनल है, मतलब बिल्कुल जेन्युइन और 100% ओरिजिनल गाड़ी है, दिल गार्डन गार्डन हो गया देखने के बाद आपके भाई का। इसके लिए खाली इतना ही कहूँगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस अमानत को आपके भाई के पास पहुँचाने के लिए और बनाने के लिए, थैंक यू सो मच।